जय शनिदेव माय डियर लर्नर्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। तो इंग्लिश लिटरेचर में किस किस को नोबेल प्राइज मिल रखा है, तो इस ये लिस्ट यहाँ पे है और देख सकते हैं आपको पूरी यहाँ पे जितना भी एलटी लेक्चरर में जो पूछे जाते हैं जो राइटर्स, उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक बढ़िया सी हमने यहाँ पे जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो है यहाँ पे वो PDF तैयार कर रखी है। तो इसमें देखिए नोबेल प्राइज़ विनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें ऑथर पोइट हमने एक साइड लिखा है और उसके बाद एयर कौन से साल में उनको मिल रखा है और नेशनलिटी क्या है, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगी तो वो होगी फेमस वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स, तो इन राइटर्स की जिनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तो पहला हमारे यहाँ पे जो पहले नंबर के जो राइटर है हमारे पास, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुडयार्ड कीपलिंग करके हैं, 1907 में इनको मिल रखा है और नेशनलिटी क्या है इनकी, यूनाइटेड किंगडम। और इनके फेमस वर्क्स की अगर बात कर लें, जैसे कि आपको पता होगा द जंगल बुक, इफ किम, रिकी टीवी टावी करके इनकी क्रिएशंस हैं। दूसरे नंबर पर हैं सेल्मा लेजरलॉफ, सेल्मा लेजरलॉफ यहाँ पे हैं दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं। और सेल्मा लेजरलॉफ के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सेल्मा लेजरलॉफ जो है इनका जो जो क्रिएशन है इनकी, वो हमें कौन से क्लास में देखने को मिलती है, क्लास 12th में, द रेड ट्रैप करके है, द रेड ट्रैप करके इनकी क्रिएशन है। और इसके अलावा जेरूसलम इन्होंने लिखा है, 1909 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और ये स्वीडन के हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो है इंडियन है। और बात करें तो इनको गीतांजलि 1913 आपको पता है उसके लिए मिला है, 1910 में जो पब्लिश हो रखी थी, सॉरी 1910 में जो है ये लिखी गई थी। बाद में अगर इंग्लिश में इसका इंग्लिश वर्जन जो आया वो बाद में आया और उसके बाद 1913 में इसके लिए इनको क्या मिल रखा है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और इसके अलावा दी होम कमिंग, दी होम एंड दी वर्ल्ड करके है इनका, दी होम एंड दी वर्ल्ड करके भी एक इनकी क्रिएशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विलियम बटलर ईट्स, जो कि आयरलैंड के हैं, इनको स्लीगो पोएट भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, विलियम बटलर ईट्स 1923 में इनको मिल रखा है, 20th सेंचुरी के हैं ये। और इसके अलावा आयरिश में ही एक और भी हैं, जैसे कि 1995 में जिनको मिल रखा है सीमस हीनी, के बारे में भी हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है जब लिटरेचर की जो सीरीज हमने चलाई हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट राइटर की बात करें, नेक्स्ट राइटर हमारे पास है जीवी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ, 1925 में इनको मिल रखा है, 1925 में मिला है, ये भी आयरलैंड के हैं। तो आयरलैंड के अगर तीन पोएट की बात करें यहाँ पे, डब्ल्यू बी ईट्स, जीवी सॉ और इसके अलावा सीमस हीनी को 1995 में मिल रखा है, ये तीन जो है आयरलैंड के हैं, ये आपको ऐसे भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और जॉर्ज बर्नार्ड सॉ की तो आपको क्रिएशन पता है ही, आर्म्स एंड दी मैन करके हैं, पिग्मेलियन करके है, सेंट जॉन करके हैं इनकी। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिंक्लेयर लेविस हैं हमारे पास, सिंक्लेयर लेविस हैं यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, सिंक्लेयर लेविस हैं, 1930 में इनको मिल रखा है। जॉन गाल्सवर्थी, जो कि यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, यहाँ पे चार राइटर जैसे हैं वहाँ पर अगर बात करें, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्थी। तो जॉन गाल्सवर्थी को 1932 में मिला हुआ है नोबेल प्राइज़, और यूनाइटेड किंगडम के हैं भी। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं ऑथर, और ये सेम आपको वही उसी टाइप से वही फॉर्मेट यहाँ पे भी मिलेगा। यूजिनियन नेल जो हैं 8th नंबर हमने, यानी कि यहाँ पे टोटल जो हमारे पास जो हमने पोएट या राइटर ले रखे हैं वो 28 के आसपास है हमारे पास। तो अभी जो 8वें नंबर के चल रहे हैं यहाँ पे यूजिनियन नेल, और 1936 में इनको मिल रखा है, यूएसए के हैं ये भी। यूजिनियन नेल की अगर क्रिएशन की बात करें तो एम्प्रेस जॉन्स करके है, एना क्रिस्टी करके भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अलावा देखिए पॉल एस बक, पी एस बक के नाम से जाना जाता है, 1938 में इनको मिला है नोबेल प्राइज़, यूएसए के हैं ये भी। और इनके अगर जो फेमस वर्क्स हैं उनकी बात करें, दी गुड अर्थ और सन्स करके हैं इनके। नेक्स्ट देखिए टी एस एलियट को तो आपको पता है, दी वेस्ट लैंड करके इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, 1948, यूनाइटेड किंगडम। और टी एस इलेट की बात करें, दी वेस्ट लैंड तो पता है ही, जिसके फाइव सेक्शन भी हैं वो भी हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके ट्रिक बना रखी है, उसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा दी अगर बात करें दी लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ वॉक करके भी इनका है,
विलियम फॉकनर हैरिसन 1949 और यूएसए के हैं, इन्होंने द हैमलेट करके लिखा है, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है और इनका द हैमलेट करके है। बर्ट्रेंड रसेल है 1950, इन पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इनकी बायोग्राफी पे, तो अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है यूके के हैं, ये भी यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड नहीं समझना है इसको, ये यूनाइटेड किंगडम है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे है विंस्टन चर्चिल, और बर्ट्रेंड रसेल के अगर इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें, फॉकनर का है द साउंड एंड द फ्यूरी करके, एब्सोलम करके भी है इनका, और बर्ट्रेंड रसेल की बात करें तो अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी करके है, दी प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी करके है, फिलोसॉफी से रिलेटेड अधिकतर वर्क इनके हैं बर्ट्रेंड रसेल के। नेक्स्ट विंस्टन चर्चिल करके हैं 13 नंबर पे, आप देख सकते हैं 1953 में इनको मिल रखा है, यूके के हैं ये भी, और माय अर्ली लाइफ और दी वर्ल्ड क्रिसिस करके इनकी जो है फेमस क्रिएशंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, 1954 में इनको मिला है, यूएसए के हैं ये भी, और इनका द ओल्ड मैन एंड द सी करके है, द ओल्ड मैन एंड द सी, और इसके अलावा अ फेयरवेल टू आर्म्स करके इनकी जो है इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं। अल्बर्ट कामू का आप देख सकते हैं ये कहाँ के हैं, ये जो हैं फ्रांस के हैं, और इनका जन्म जो हो रखा है, ये बोर्न कहाँ हो रखे थे, अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इसके बाद ही इनके पास नेशनलिटी जो है फ्रांस की है। और बात करें तो अल्बर्ट कामू 1957 में इनको मिल रखा है। अल्बर्ट कामू के वर्क्स के बारे में बात करें, दी मिथ ऑफ सिसिफस करके है, आपने सुना होगा दी मिथ ऑफ सिसिफस, और इसके अलावा द रेबल करके है। नेक्स्ट है जॉन पॉल सार्त का है 1964 में, और ये फ्रांस के हैं, ठीक है, फ्रांस की नेशनलिटी है इनके पास। और बात करें बीइंग एंड नथिंगनेस करके है इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क बात करें, बीइंग एंड नथिंगनेस। सैमुअल बेकेट नेक्स्ट है हमारे पास, सैमुअल बेकेट एब्जर्ड थिएटर से रिलेटेड भी आपको पता होगा इनका, तो सैमुअल बेकेट हैं, इनको मिल रखा है 1969 में, ये भी आयरलैंड के चौथे हैं ये, हमने तीन तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, डब्ल्यू बी ईट्स, जी बी शॉ, सैमुअल बेकेट, और इसके अलावा एक और हमने बता रखा था सीमस हीनी करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 नंबर पे हैं लिस्ट में, तो सीमस हीनी भी हैं, चार जो हैं हमारे पास आयरलैंड के हैं। अब सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडो, आपने सुना होगा, मोलो मर्फी, ये इन्हीं के अपने जो हैं ड्रामाज हैं, ठीक है, प्लेज बोल सकते हैं इनको। अगला है हमारे पास, अगले जो यहाँ पर राइटर हैं पैब्लो नेरुडा, ये क्लास 12th में हैं पैब्लो नेरुडा, तो पैब्लो नेरुडा हैं 1971, और ये चिली, इनकी नेशनलिटी की बात करें तो कीपिंग क्वाइट करके इन्होंने लिखा है, बहुत ही फेमस जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, काउंटिंग अप टू 12 करके, बहुत ही अच्छी पोएम है, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी पोएम है, मेडिटेशन पे बेस्ड है, और इसमें बताया गया है कि जो है हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं, इसमें मेन अगर इसकी थीम बोलें तो अपने आप को जानना, टू नो आर सेल्फ एंड टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को क्रिएट करने के बारे में इसमें कहा गया है, पैब्लो नेरुडा का है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक स्टूडेंट ने जब हम 12th में पढ़ाते थे तो उन्होंने इसको ऐसे, इनका पैब्लो नेरुडा को उन्होंने बोला था प्रभुदा नरुदा करके, तो पैब्लो नेरुडा को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विलियम गोल्डिंग जो हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा याद रहती हैं, विलियम गोल्डिंग जो हैं 1983 में इनको मिल रखा है, यूके के हैं ये भी, ठीक है, विलियम गोल्डिंग, दी लॉर्ड ऑफ दी फ्लाइज करके इनका वर्क है, आपको पता होगा लॉर्ड ऑफ दी फ्लाइज। इसके अलावा बात करें तो डार्कनेस विजिबल करके भी इनका एक वर्क है। इसके अलावा नदीन गोडिमर करके हैं 1991, साउथ अफ्रीका के हैं नदीन गोडिमर, इनका जो वर्क है जुलाइज पीपल करके है, जुलाइज पीपल, ये अधिकतर नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नेट की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये पहले जितने एग्जाम हो रखे हैं उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जुलाइज पीपल करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टोनी मॉरिसन जो है, इनका एक फेमस वर्क आपने पढ़ा भी होगा पीजी में, मे भी जहाँ तक मेरे को याद है, द ब्लूएस्ट आई करके, और इसके अलावा ब्लेवेट करके भी है टोनी मॉरिसन, और टोनी मॉरिसन कहाँ के हैं, यूएसए के। सीमा सीनी 1995 में भी लिखा है, आयरलैंड के हैं, और सीमा सीनी के फेमस वर्क की बात करें तो ह्यूमन चेन करके है, इसके अलावा डोर इनटू द डार्क करके इनके वर्क हैं। नेक्स्ट हैं वीएस नॉयपॉल जो हैं
वीएस नवप्यौल का पूरा नाम है विद्याधर सूर्जा प्रसाद नवप्यौल, 2001 में इनको मिल रखा है यूके यूनाइटेड किंगडम, आप देख सकते हैं। और इनके फेमस वर्क की बात करें तो अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास करके आपने सुना होगा, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट हमारे पास हैं हैरल्ड पिंटर, हैरल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, ये तो आपने सुना ही होगा, 2005, यूके के हैं ये भी यूनाइटेड किंगडम। और बर्थडे पार्टी नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाता है, गेंद जो है नो मैंस लैंड पे जाके गिरी, तो इस टाइप से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। डोरिस लेसिंग है नेक्स्ट, 2007 में मिल रखा है इनको, यूके के हैं ये। और लास्ट नंबर पे हमारे पास हैं, अगर बात करें यहाँ पे इसके बाद 26 नंबर पे हमारे पास हैं एलिस मुनरो करके हैं, 2013 में इनको मिल रखा है, कनाडा के हैं। और इसके बाद कैजुओ इशिगुरु 2017 में यूके के हैं। और 2022 की बात करें तो एनी एनॉक्स को मिल रखा है, ये फ्रांस के हैं। तो ये थी लिस्ट हमारे पास जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनकी, और इनसे रिलेटेड हमने यहीं पे फेमस वर्क भी बताने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फेमस वर्क से रिलेटेड इन पे इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस सीरीज को अब कंटिन्यू रखने वाले हैं। अगर आपने गलती से भी गलती की तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन एलटी लेक्चरर में पूछे जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड, सारी वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।